5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कलर की, सो उस पे भी पहन सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। को पहना था अपनी साड़ी के ऊपर, और उसके भी पिक्चर में लगा दूंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, आई होप बहुत अमेजिंग हो गए और होना भी चाहिए, मैं भी बहुत अमेजिंग हूँ। तो बाय टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ पे होने वाला है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि आज मैं करने वाली हूँ झुमके का हॉल। तो मेरे पास जितने भी झुमके होंगे मैं आज आपको पहन कर दिखाऊँगी, और आप उसमें से बताना आपको कौन सा अच्छा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली ये वो झुमके हैं जो मैं आपको पहन कर दिखाने वाली हूँ, और ये कितने हैं मैं काउंट कर लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 झुमके मेरे पास हैं, इनका कलेक्शन है। और मैं सोच रही थी इसका हॉल बनाते हैं, तो इनको मैं वन बाय वन आपको पहन कर दिखाऊँगी, और आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा झुमका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसमें से कुछ है जैसे ऑनलाइन परचेज होंगे, कुछ शॉप से होंगे, कुछ स्ट्रीट शॉप से होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं जो कान में इयररिंग डेली रेगुलर बेसिस में पहनती हूँ उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो पीछे का दरवाज़ा एक्चुअली मैं बंद करना भूल गई थी, बट इग्नोर करना थोड़ा सा। एंड ये मेरा इयररिंग है जो मैं रेगुलर बेसिस में पहनती हूँ, मुझे एक और लेना है बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने फर्स्ट ईयरिंग से शुरुआत कर दी है, सिल्वर कलर की, बहुत प्यारा सा है ये झुमका बोल लो या कुछ भी ईयरिंग। सो मैंने हालांकि आपको आज झुमके का हॉल ही दिखाने वाली हूँ, सो इसको जल्दी से फटाफट निकाल लेते हैं और मैं इसको पहन करके आपको अपने कानों में दिखाती हूँ। मैंने ये पहन लिया है और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप इसको सूट पे पहन सकते हो, या फिर कभी कभार किसी ऐसी साड़ी है जो आपसे मैच हो रही है सिल्वर कलर की, सो उस पे भी पहन सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत लाइट वेट भी है, कान में आपको बिल्कुल नहीं दुखेगा। और ये ईयरिंग आई गेस मैंने नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिया था स्ट्रीट शॉप से। सो कमेंट बताना कैसा लगा आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं सेकेंड ईयरिंग पे। सो ये रेड कलर का है थोड़ा सा, और इसमें गोल्डन का भी थोड़ा सा वर्क है। तो ये ईयरिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी, ये भी मेरी अगेन सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी। सो अभी मैं इसको फटाफट पहन करके दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। ओके सो वेट करो। ये मैंने पहन लिया है ईयरिंग, सो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप इसे किसी रेड कलर के सूट पे या पटियाला पे पहन सकते हो। चलिए अब चलते हैं थर्ड पे। तो ये थर्ड झुमका है मेरा, और ये गोल्डन, सॉरी गोल्डन नहीं, सिल्वर कलर का है। मैं आज आपको सिल्वर कलर का मोस्टली दिखाने वाली हूँ, तो फटाफट इसको पहन के फिर बताती हूँ कैसा लगता है। तो ये मैंने फाइनली पहन लिया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है कान में। आप इसे किसी सिल्वर कलर की कुर्ती पे या फिर कोई ऐसा मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। फोर्थ है ये झुमका जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैंने दिवाली पे अपनी एक साड़ी पे पहना था, मैं पिक्चर लगा दूँगी साइड में, सो आप देखना, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और मतलब साड़ी पे भी आप सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहन सकते हो, और ईयरिंग तो खासकर। तो ये मैंने पहन लिया है और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अभी जो मैंने कुर्ती पहनी है ना, उस पर सारे ऐसे आपको उभर के नहीं दिखेंगे, यानी क्लियर नहीं समझ आएगा, बट आप जब उस तरह का आउटफिट पहनोगे ना तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि किस पे जा रहा है। सो चलिए फिफ्थ पे मूव करते हैं। सो ये झुमका
का मैंने लिया था रंगरीति से, मैं गई थी शॉपिंग के लिए, वहाँ से मैंने कुर्ता ख़रीदा था यानी सूट सेट पूरा, तो मुझे वहाँ पे कुछ डिस्काउंट था आई गेस, कुछ ऑफ़र मिला था, मैंने इतने का शॉपिंग किया था तो उस पर शायद मैं कुछ ले सकती थी वहाँ से, तो मैंने ये झुमका बाई किया था। तो पहन के बहुत प्यारा लग, एक दो ड्रेसेस पे ट्राई किया है तो ये बहुत प्यारा लगता है, और इसमें हल्का सा ब्लू कलर का ऊपर का दिया है, तो ये भी आई गेस आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो कुर्ती पे या फिर सूट पे, साड़ी पे भी ये बहुत प्यारा लगेगा अगर आप इस कलर की साड़ी पहनते हो तो। तो मुझे तो पर्सनली मेरा फेवरेट है ये, इसको मैंने काफ़ी टाइम से रखा है। चलिए मूव करते हैं सिक्स्थ पे। तो ये झुमका मैंने लिया था नोएडा से, एक लोकल मार्केट से, वहाँ पे एक थर्स्टी मार्केट लगती है तो मैं वहीं गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे इयररिंग मुझे दिख रहे थे तो मैंने फटाक से दो खरीद लिया, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों लगभग सेम थोड़ा दिख रहे थे, तो पहन कर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने पहन लिया है और बहुत प्यारा लगता है ये, आप इस कलर के सूट पे, ये काफ़ी सारे सूट पे एक्चुअली जा सकता है, मैंने इसको एक सूट पे कैरी किया था लाइक उस मस्टर्ड और ग्रे कलर का सूट था, उसे बहुत अच्छा जा रहा था ये झुमका। मैं पिक्चर लगा दूँगी तो आप साइड में देख लेना। तो आप चाहो तो ऐसे झुमके भी ट्राई कर सकते हो अपने आउटफिट के ऊपर, बहुत सुंदर जाएगा। सो चलिए मूव करते हैं अब सेवन्थ पे, आई गेस ये सेवन्थ ही होगा। तो ये जो सिल्वर, पूरा प्रॉपर सिल्वर है ये, और काफ़ी इसको शायद ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बोलते हैं, आई डोंट नो, बट आप मुझे कट कर देना अगर मैंने गलत बोला होगा। तो चलिए इसको पहन के दिखाती हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा हैवी है, एक्चुअली झुमके वगैरह थोड़ी हैवी हो जाते हैं कान में, बट क्या कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड आजकल तो देख रहे हो कितना चोरी होता है, तो पहन सकते नहीं इतना, तो हमें ऐसे ही इयररिंग्स वगैरह देखने पड़ते हैं सेट पे। एक्चुअली गोल्ड इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कि आप ऐसे कलरफुल आउटफिट के ऊपर आप ऐसे मतलब गोल्ड की ज्वेलरी पहनो। हाँ डेली बेसिस पे सही है, बट आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ थोड़ा सा चेंज करने का मन करता है, तो हमारा पहनने का मन होता ही होता है झुमका। ये बहुत अच्छा लगता है यार, ये चिकन की कुर्तियों पे ना इतना मस्त जाता है कि मैं क्या बताऊँ, बट थोड़ा हैवी है यार, तो बस निकालना ही पड़ता है क्योंकि दर्द होने लगता है कानों में, और कोई बात नहीं है, बट बहुत प्यारा झुमका, ये भी मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट में है ये। चलिए मूव करते हैं एर्थ पे आई गेस। सो ये मेरा फेवरेट है ये भी, क्योंकि ये मैंने लिया था अमीनाबाद से लखनऊ में, और ये दिवाली का ओकेज़न चल रहा था उस समय, तो मैंने दिवाली के टाइम पे इसको पहना था अपनी साड़ी के ऊपर, और उसके भी पिक्चर में लगा दूँगी। बहुत प्यारा लगता है ये साड़ी के ऊपर, मैंने इस पर बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, और इसके ऊपर ये इयररिंग, आए हाय चार चाँद लग गए थे, और बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी भी, इयररिंग भी, और मैं भी। तो आप कैसा लग रहा है सारे झुमके कमेंट में बताना मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ कि कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार कर देना ना। तो चलो अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट इयररिंग पे। तो ये है फाइनली नाइन्थ और एयर्थ, आई डोंट नो। सो ओके नेक्स्ट इयररिंग ये है, ये भी मैंने नोएडा से लिया था लोकल मार्केट से, जो पिछला था एक ग्रे और ब्लैक में वो भी, और ये दोनों मैंने साथ में ही लिया था, ये चांद वाली टाइप थोड़ा सा है, और बहुत प्यारा लग रहा था ये भी, मैंने एक रेड कलर के आउटफिट में पहना था, इसी मेरे सिस्टर इन लॉ ने पहना था, ये मैंने नहीं पहना, मैं पहन रही थी बट मुझे बहुत पेन हो रहा था तो मैंने निकाल दिया था इसको, तो पहन कर दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो ये मैंने पहन लिया है और ये बहुत सादा और प्रेटी लग रहा है, आप इसको किसी मरून या फिर किसी ऐसे पे पहन सकते हो ड्रेस पे, और भी गोल्डन कलर की कुर्ती या फिर कुछ ऐसा हो तो आप पहन सकते हो, येलो पे भी जाएगा ये, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कलर का, येलो या फिर मरून में पहन सकते हो आप। तो मैं ऐसे इतरा रही हूँ झुमके पहन पहन के, आई नो, बट चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। कमेंट बताना कैसा लगा आपको ये वाला इयररिंग। सो ये है मल्टी कलर का, इसको भी मैंने पहना था किसी ओकेजन पे, हाँ ये मैंने तीज पे पहना था, मेरी सेकंड तीज थी तो मैंने उसके ऊपर पता उसकी भी इमेज में लगा दूंगी,
और बहुत प्यारा लगता था। ये मैंने लखनऊ में भूतनाथ मार्केट से लिया था, लोकल मार्केट स्ट्रीट शॉप से लिया था। सो पहन कर दिखाती हूँ कैसा लगता है। पहन लिया और ये भी बहुत अच्छा जा रहा है। इस पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैच नहीं हो रहा थोड़ा सा, बट मैं जिस साड़ी भी पहना था ना उस साड़ी पे बहुत अच्छा जा रहा था ये। और मैं आपको दिखाऊंगी ये साड़ी पे आप पहन सकते हो ऐसे इयर रिंग, और मल्टी कलर का ड्रेस है तो सारे ड्रेस पे ऑलमोस्ट जा सकता है ये इयर रिंग। सो बेस्ट है, आप इसको अपने वार्डरोब में ज़रूर रखो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये है ग्रीन कलर का इयर रिंग जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ का है। ये तो हम लोग का साथ में ईयरिंग रहता है, कुछ ऐसा अलग नहीं रहता है, तो हम दोनों एक दूसरे का पहन लेते हैं। एक्चुअली मैं ज़्यादा पहनती हूँ क्योंकि मेरे ज़रूरत पड़ती है। तो इसको भी पहन कर दिखाती हूँ कैसा लगता है। पहन लिया है और ये ग्रीन कलर का है। आप इसको ग्रीन आउटफिट पे पहन सकते हो या फिर कुछ ऐसा मिक्स साड़ी पे भी पहन सकते हो, साड़ी में बहुत अच्छा जाएगा, लहंगे में भी ऐसे पहन सकते हो और बहुत अच्छा है। इससे दर्द नहीं हो रहा था कान, सबसे बड़ी बात तो ये थी। इसको आप पहन सकते हो, लाइट वेट है। देन ये था लास्ट वन और ये बहुत छोटू सा झुमका है और इसको भी मैंने नहीं पहना है शायद, इसको मेरी सिस्टर इन लॉ ने पहना हुआ है किस कहीं पर। तो ये सारे झुमकों का कलेक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं भी ये पहन लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है ये। मेक श्योर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके सो ये भी बहुत लाइट वेट था, इससे कोई कान में दर्द नहीं हो रहा था। देखो कितना अच्छा लग रहा है, जितना छोटा है ना ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत प्यारा लग रहा है कान में। एवरीवन, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।